हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय यादव। मैं अपने एसआर ज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाएं और इसे कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। पेन ड्राइव से बूटेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, छोटी सी सॉफ्टवेयर की, जो कि हमें गूगल पे फ्री में डाउनलोड हो जाएगा, जो कि हम देखते हैं। यहाँ पर हम डालेंगे RUFUS, एंटर मारेंगे। सबसे पहले आएगा rufus.ie, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास ये बता रहा है कि किस तरह से हम इजी वे में इसको यूज कर सकते हैं, और साथ में नीचे जाने पे तीन ऑप्शन आते हैं हमारे पास, rufus 1 MB का, rufus portable 1 MB का, अदर वर्जन। तो हमें पोर्टेबल को डाउनलोड करना है। पोर्टेबल को ही क्यों डाउनलोड करना है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। पोर्टेबल को इसलिए हमें डाउनलोड करना है कि हम इसको, जैसे हम अपने फ्रेंड को देना चाहते हैं, किसी को भी देना चाहते हैं, तो हम इजीली इसको दे सकते हैं। उसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो पेन ड्राइव में ले लेगा और फिर वो वर्क कर सकता है। और एक हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया 3.5 लेटेस्ट वर्जन, और हमें एक विंडो की 7 की जो ISO फाइल चाहिए होगी। हम आप इस पर उस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके राइट एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पे कह रहा है डू यू वांट टू यू रेफरेंस चेक अपडेट ऑनलाइन, यस नो कुछ भी कर सकते हो आप। अगर चेक करना चाहते हो यस, हमने लेटेस्ट ही किया तो हमें नो करना है। यहाँ पे सीधे हमारे पास ऑप्शन खुल जाएगा रुफूस का। अब हमें कुछ नहीं करना है इसके अंदर, इसमें हमें पेन ड्राइव लगाना है। अभी तो हमारा पेन ड्राइव नहीं आ रहा है, मैं इसमें पेन ड्राइव लगाता हूँ। और ये रिमूवल डिस्क आ चुका है, यहाँ पे भी आ चुका है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा और अपना वेरीफाई कर लीजिएगा कि आप जिस पेन ड्राइव में बनाना चाहते हैं, मेरा जैसे कि ये ई है रिमूवल डिस्क है, उसी में ही आना चाहिए। अगर ये किसी और में आएगा और फिर ये फॉर्मेट हो जाएगा, फिर आपके लिए दिक्कत होगी, आपका डाटा लॉस हो सकता है। तो जैसे ई ड्राइव है 32 GB का, मेरा मैंने ये सिलेक्ट किया। यहाँ पे मुझे फाइल सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट किया, और मेरा जहाँ पे लोकेशन है, मैंने यहाँ से फाइल सिलेक्ट कर ली, हो गया ये। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लेवल आ रहा है, लेवल वॉल्यूम लेवल्स के अंदर आप जो डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ Windows 7, ओके, और यहाँ पे सीधे स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा ओके कैंसिल, आपको ओके कर देना है कि आप अपने डाटा जो इसके अंदर है वो लॉस हो जाएगा, क्या आप चाहते हैं लॉस करना, तो आप कहेंगे यस मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ। और ये कॉपी होना चालू हो गया है, बहुत ही फास्ट हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अभी हमारा विंडो तैयार हो चुका है USB पेन ड्राइव के थ्रू, हम अब इंस्टॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये टाइम 15 मिनट, 15.5 मिनट के आसपास ले लिया है। मैंने इसको फॉरवर्ड इसलिए कर दिया दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टाइम बर्बाद हो, और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, तो आपको पता चल गया होगा। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ और चेक कर लेता हूँ। माय कंप्यूटर में गए तो मैंने जो यहाँ पे नाम दिया था, आप रीनेम में दे सकते हैं, ये नाम जो है जो मैंने दिया था वहाँ पे वही आ रहा है, और आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे सेटअप की सारी फाइलें आ चुकी हैं, और इसे हमने लैपटॉप में लगा ही रखा है, और अब बूट करके भी देख लेते हैं कि वर्क कर रहा है। स्टार्ट कर लेंगे, हम गए कंप्यूटर पे, क्लिक किया और इसको कर दिया हमने स्टार्ट। F12 करेंगे, अगर आपके उसमें कंप्यूटर में अगर F12 से नहीं आता है तो आपको बायोस में जाके सेटिंग देखनी पड़ेगी किससे बूट ऑप्शन आता है। और यहाँ पे हम कर लेंगे अपना किंगस्टन सेलेक्ट। किंगस्टन सेलेक्ट होने के बाद ये मेरा भी विंडो 8 डला हुआ है, तो विंडो 8 की इमेज आ रही है, अभी ये प्रोसेसिंग करेगा। यहाँ पे नो कर देना, आपको नेक्स्ट इंस्टॉल नाउ।
यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि हमारे पास सारी ये इमेजेस आ रही हैं। तो हमने देखा कि आज की वीडियो में कि कैसे हमने पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बनाया, जिससे हमने विंडो 7 इंस्टॉल किया और ये हमारे कंप्यूटर में वर्क भी कर रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं और से और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।